चलिए देखिए, हम इनसे आपको अवगत करवाते हैं, 8 से 10 बैच में पहले अवगत करवा चुके हैं, 10 से 12 बैच में भी अवगत करवा ही देते हैं। ये हॉस्टल के ट्रेनर है। ये कौन है, कौन है? संस्थान का जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल में जो है बिहार एसआई, बिहार पुलिस के बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, समझो। तो गांधी मैदान में ये ट्रेनिंग देते हैं। तो संस्थान में जो लोग पढ़ रहे हैं और बिहार पुलिस का फिजिकल करना चाहते हैं, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपका संस्थान में एडमिशन है, संस्थान का कार्ड आपके पास बना हुआ है, आपका अपना होना चाहिए। अगर आपका अपना कार्ड है, बिहार पुलिस का आप परीक्षा दिए हैं और आपको लगता है कि आपका रिजल्ट हो सकता है, आपको फिजिकल करना चाहिए, तो आप इनके साथ जुड़ करके जो है फिजिकल कर सकते हैं, वो भी निशुल्क। लेकिन शर्त यही है कि संस्थान में आप पढ़ रहे हो तब, ऐसे नहीं। अगर आप संस्थान में पढ़ रहे हैं तब, जैसे ही लड़का, ये लड़का पढ़ रहा, मान लिया जाए कि इसका बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ, तो ये अगर दौड़ना चाहता है तो इसके साथ शामिल होकर के संस्थान का कार्ड दिखा करके जो है ये लड़का दौड़ सकता है। इसको कोई पेमेंट नहीं करना होगा, समझे? और गद्दा बनाने के लिए दिए हैं ना, ऑर्डर दिए हैं कि ना? हाँ ठीक है, बात नहीं किए, ऑर्डर दे दीजिए। और सबसे बड़ा चीज क्या है जानते हैं, बिहार पुलिस में तो 3 गो इवेंट होता है, 3 गो नहीं इवेंट होता है, बिहार पुलिस में 3 गो इवेंट होता है, दौड़, हाई जंप, कोला, कोला, कोला। तो हाई जंप रिजल्ट जो है लगभग 2 माह के बाद देगा, मतलब अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर, नवंबर सब में रिजल्ट देगा, तो उससे पहले 2 माह, जो 1.5 माह जो भी आपके पास समय बचा है, सबसे पहले आप दौड़ बनाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क दौड़ में ही है। तो दौड़ बनाइए और फिर गोला और हाई जंप बहुत बड़ा चीज ना है, लेकिन दौड़ बहुत बड़ा चीज है। जितना कम समय का दौड़ होगा उतना ज्यादा मार्क मिलेगा आपको, समझ गए? तो लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहे हैं, हम सामान्य तौर पर इधर मुंह करके बोलते हैं, तो आप लोग ही मत समझिएगा कि आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, सब लड़का लड़की दोनों को बोल रहे हैं। देखिए बंदर जैसे काहे करते हैं, मतलब हम लोग बंदर के पूर्वज हैं, उसके नेचर को नहीं बोलना है ना, हम लोग तो बंदरे के जन, हम लोग के पूर्वज बंदरे नहीं थे? तो जो है गांधी मैदान में फिजिकल करवाते हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं निशुल्क, लेकिन आप संस्थान के विद्यार्थी होने चाहिए, ठीक है? विशेष आप बता दीजिए जो है, बता दे रहा है। और ट्रेनिंग, इसके ट्रेनिंग सेंटर का नाम हम सोच रहे हैं, ठीक है? नहीं, वो पहले से ज्ञान बिंदु खुलल है, वो भी कोचिंग से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसका नाम रखेंगे हम। अच्छा ठीक है, आप लोग जो नाम दे दीजिएगा वही रख देंगे। हेलो जय हिंद सभी को, कैसे हैं आप लोग?
तो आप लोग मेरा नाम पूछ रहे थे, मेरा नाम है पीयूष कुमार और मैं गोपालगंज बिहार से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैं हमारे मेरे और आप सबके गुरु रोशन सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया आपके समक्ष आने का और अपनी क्षमताओं को आपके सामने रखने का, उजागर करने का। इस बेरोजगारी दुनिया में मुझे एक बेरोजगार मिला कि कुछ कमाई करके अपना मैं जीवन चलाऊं और आगे बढ़ सकूं, तो इसका मैं सदा आभारी रहूंगा सर का। तो मैं आगे बताना चाहता हूं, मैं अपने बारे में कुछ बता दूं तो मैं गोपालगंज बिहार से हूं और मैं पढ़ाई में, फिजिकल में और जो भी चीज़ें होती हैं सब में, मतलब मेरा अच्छा खासा रोल रहा है बचपन से ही। ना कोई मेरा ट्रेनर रहा है ना कुछ रहा है, खुद से पढ़ा हूँ और खुद से सब सीखा हूँ। तो मैं अब मेरी जो क्षमता है, जैसे मैं हाई जंप में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ, स्टेट खेला हूँ और नेशनल में चयनित हुआ था, और रनिंग में 3 किलोमीटर के दौड़ में भी मैं नेशनल तक गया हूँ, ठीक है। और जैसे हो गया कैराटे, मार्शल आर्ट्स में भी मैंने ब्लैक बेल्ट हासिल नहीं किया, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट खेला था, उसमें टॉपर रहा था। तो ये सब, बाकी अगर पढ़ाई के मामले में एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा क्या था, तो मैंने एनडीए क्लियर किया था, आप लोग जानते हैं एनडीए के बारे में, नेशनल डिफेंस अकेडमी, जिससे डायरेक्ट आप लोग लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो बट एसएसबी मेडिकल की वजह से मेरा नहीं हो पाया क्योंकि मेरा हाथ टूट चुका था उस समय। तो ये सब थी, लेकिन अब आगे जो मेरा अप्रोच है वो है सीडीएस के लिए, तो उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, साथ में कुछ रोजगार भी बन रहा है। तो मैं जानता हूँ कैसे क्या कराना है आप लोगों को फिजिकल, ताकि आगे चल के आप देखिए, जैसे ये फाउंडेशन बैच है और कुछ टारगेट बैच भी होता है, तो फाउंडेशन बैच में शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को बताया जाता है, ठीक वैसे ही हम भी शुरू से अंत तक सीखे हैं, लेकिन टारगेट बैच में सिर्फ उन्हीं बैचों को, चीज़ों को बताया जाता है जो उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अगर आप आगे चल के गलती ना करें। ठीक उसी तरह समय कम है, 3 महीना 2 महीना टाइम मिलता है फिजिकल में, जो कि अगर सही डायरेक्शन में आप लोग ना करें तो बहुत मुश्किल हो सकता है, किसी का पैर इंजर्ड हो सकता है, सही डायरेक्शन ना मिलो तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, चाहे वो फिजिकल में हो चाहे किसी चीज में हो। तो वो मैं आपको वो सजेशन दूंगा, एक डायरेक्शन दूंगा, जैसे कैसे करना है, 5 फीट का जंप कैसे आप कर सकते हैं, और रनिंग का, जैसे मेरा रनिंग था 4:45 का दौड़ था, 4:40 का दौड़ था, मैं अलग अलग गाँवों में जाकर ये जो होता है ना कंपटीशन होता था उसमें भाग लेता था, ठीक है। तो उसमें मैं मेडल भी लाता था, कुछ प्राइजेस भी मिलते थे। तो मैं जानता हूँ कैसे रनिंग को बनाना है, कैसे हाई जंप को बनाना है, कैसे अपने बॉडी को मजबूत करना है। तो अब मैं ज़्यादा बातें ना करके बातें आऊँ जो मैं कहाँ कराता हूँ और मेरा डिटेल्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं गांधी मैदान, ठीक है, गेट नंबर 7 जो होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं नहीं समझ पाते हैं जो कहाँ आना है, तो देखिए गांधी मैदान गेट नंबर 7 ये हो गया, गेट नंबर 7 सबको जानता है ना, गेट नंबर 7 से सीधे आइएगा, यहाँ पर झंडा उत्तोलन होता है सबसे सेंटर में, जहाँ झंडा फहराया जाता है, ठीक है। यहाँ से एक थोड़ा सा लेफ्ट में एक बड़ा सा लाइट होगा, लाइट बड़ा सा लाइट, उसके नीचे गद्दा होगा, जस्ट उसके बगल में यहीं पर कराते हैं, यहाँ पे जैसे सीधे जाइएगा गांधी मैदान गेट नंबर 7, झंडा जहाँ फहराया जाता है वहां पे आके आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे मोबाइल नहीं लाते हैं, फिर घर पे आके फोन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये झंडा फहराया जाता है, ये बगल में जो है एक बड़ा सा लाइट होगा, देखिएगा जो बड़ा वाला लाइट होता है सबसे बड़ा वही वाला लाइट होगा, उसके जस्ट बगल में हम कराते हैं, ठीक है। और टाइमिंग क्या है, सुबह 5:30 बजे तक आपको कैसे भी हाजिर रहना है वहां पे, मैं 7 या 7:30 तक मैक्सिमम आपको छोड़ दूंगा वहां से। और शाम का टाइमिंग जो है, शाम का टाइमिंग एक्यूरेट 5 बजे है इवनिंग में, और ये है मॉर्निंग में। और डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गया 7070559801, 6200322422, ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। तो आपको सुबह 5:30 बजे तक कैसे भी गांधी मैदान में हाजिर आना है, अगर आप लोगों को सही जगह ना मालूम चले कि कहाँ कराते हैं हम, तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको रिसीव कर लूंगा। लेकिन आप लोग गेट नंबर 7 से डायरेक्ट आइए, यहाँ पर जहाँ झंडा फहराया जाता है उसके बगल में देखिएगा एक बड़ा वाला लाइट होगा, उसके नीचे एक गद्दा है,
ठीक है, पीला कलर का होगा, उसके जस्ट इधर कराते हैं, ठीक है, यहाँ पे इधर यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डिटेल्स, तो आप लोग आइए, और टाइम कम है, आप लोग ये ना सोचिए कि रिजल्ट हो जाएगा तब मैं दौड़ने जाऊंगा, तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी वो, क्योंकि इसमें जो भी मेरिट बनता है वो आपके फिजिकल पे ही बनता है, ठीक है। तो आपका फिजिकल जितना मजबूत होगा आप बिहार पुलिस में उतना ही अच्छा रैंक पाइएगा, और उतना ही जल्दी आपका मेरिट भी बनेगा, नहीं तो मेरिट आउट हो जाएंगे, फिजिकल निकाल कर क्या फायदा है। दरोगा नहीं है जिसमें क्वालिफाई करना है, यह है बिहार पुलिस जिसमें आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करना है, और अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको अच्छा फिजिकल होना चाहिए। हाई जंप में लगभग कम से कम 4.5 फीट आपको लाना पड़ेगा, जितना अभी भीड़ है, कंपटीशन है, और दूसरा रनिंग में कम से कम 5.5 तो कम से कम लाना पड़ेगा, उसके लिए समय मांगता है। समय 1 महीना में आपका 5.5 मिनट नहीं बन पाएगा, उन्हीं का बन पाएगा जिनका पहले से स्टेमिना है, पहले रनिंग किए हैं, दबा के रनिंग किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, ठीक है। जैसे अभी हम बहुत दिन पहले 4.5 मार पाते थे, अभी नहीं मार पाएंगे, लेकिन अभी 1-1.5 महीना अगर हम मेहनत अच्छे से करते तो हम कर लेंगे, लेकिन आप लोगों में वो समय लगेगा। तो वो समय देने के लिए अभी से आइए, आप लोग जुड़िए मेरे साथ, मैं आप लोगों को अच्छा गाइडेंस दूंगा, डाइट बताऊंगा कैसे खाना है, ताकि आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए, नींद भी ना हो, थकान भी ना हो। मैं वहीं पर थकाता हूँ, वहीं पर आप लोगों को फ्री करके भेजता हूँ, वहीं पर पैर में दर्द देता हूँ और वहीं पर पैर को फ्री करके भेजता हूँ। तो ये मेरा वसूल है कि दर्द भी दो और शांति भी दो, सुख भी हो जाए, काम भी हो जाए और सब कुछ हो जाए, ठीक है। तो आप लोग आइए और अच्छे से मेहनत करिए। तो जैसे दरोगा में इस बार रिजल्ट हुआ अच्छा खासा, ज्ञान बिंदु से 25% था, अब की 50% होगा, बिहार पुलिस में वैसा ही, बिहार पुलिस में भी दबदबा कायम रहेगा ज्ञान बिंदु से, ठीक है। तो ये आप लोगों का काम है दबदबा कायम रखने का। तो क्या आप लोग रेडी है आने के लिए? सब कोई आएगा, जम के मेहनत करेगा और रिजल्ट भरपूर होगा ज्ञान बिंदु से। और चलिए बस इतना ही, क्या जूता, जूता देखिए जूता, अब बजट के हिसाब से है, जिसका 1000 से कम का बजट है सेगा, सेगा ठीक है, 1900 का एक आता है सेगा कंफर्ट, वो बहुत बेस्ट होता है, उससे कम जाइएगा सेगा का 500 का एक है, उससे ज्यादा जाइएगा 900 का एक आता है कलेंजी भी, कलेंजी भी ठीक है, 1500 का एक और कलेंजी आता है SSCGD, GD के लिए भी आइए आप लोग, बिहार पुलिस GD, क्या बिहार पुलिस, नहीं समझ में आ रहा, आप लोग कांटेक्ट करके बात कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी आप लोगों को पूछना होगा बात कर लीजिएगा। जूता के लिए है, बजट के हिसाब से है, आप लोग कांटेक्ट करिएगा, उसमें मैं बता दूंगा आपको जो भी डिटेल्स है। नंबर ये है मेरा, ये वाला नंबर है, और ये है जीतू भैया का नंबर, जो है हॉस्टल का वार्डन है, ठीक है। तो आप लोग आइए और जो भी डिटेल्स है इसमें पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग आवाज नहीं आ रहा है मेरे पास, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर। चलिए आप आइए, अब आगे आइए। अरे फोनो नंबर दिए, थोड़ा बहुत फोन पे भी बात कर लीजिएगा, समझे, फोन नंबर काहे दिए हैं, सब चीज यही जान लीजिएगा। अब आगे